लॉकडाउन 4 में लीजिए दुनिया भर में मशहूर अजमेर की कचौरियों का मजा। अजमेर जितना मशहूर है ख्वाजा की दरगाह और पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर के लिए, उतना ही मशहूर है अपनी कचौरियों के लिए। अजमेर की एक कचौरियां अमेरिका, बैंकॉक, दुबई, लंदन, सिंगापुर, मलेशिया तक कड़ी कचौरी पैक होकर जाती हैं। फिलहाल देश में लॉकडाउन है, लिहाजा सब कुछ बंद है। लॉकडाउन 4 की तैयारी है, लेकिन सरकार ने इस बीच कुछ चीजें खोलने की अनुमति दे दी है और उन्हीं में से एक है खाने की दुकानें। अजमेर शहर को कड़ी कचौरी की लोकप्रियता के चलते ही चटोरों के शहर का दर्जा प्राप्त है। ये ऐसा शहर है जहां एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार केवल कड़ी कचौरी का होता है। लॉकडाउन की अवधि में अजमेर ने यदि किसी चीज को सबसे ज्यादा मिस किया है तो वो ये कड़ी कचौरी ही है। लेकिन अब जब प्रशासन ने लॉकडाउन की अवधि में कड़ी कचौरी की दुकानें खोलने की अनुमति दी तो चटोरों की भीड़ इन दुकानों के बाहर जमा हो गई। शहर के अंदर कचौरी के लिए तरस गए थे, आज इच्छा पूरी हुई है। तो आपके माध्यम से सरकार के प्रशासनिक से जो टास्क से टाइम दिया है वो बहुत ही अच्छा है। खुशी की लहर है, थोड़ी थोड़ी मार्केट के अंदर आ रही है और एक बहुत खुशी हो रहा है कि भाई यहाँ पर दुकानदारों के अंदर भी थोड़ी सी वो हो रही है कि हाँ भाई मार्केट धीरे धीरे खुलने लगा। बहुत दिनों से मन ललचा रहा था कड़ी कचौरी खाने के लिए, अजमेर का जो प्रमुख नाश्ता है, और दुकान भी सिर्फ एक ही खुली हुई मिली आज पंडित कचौरी वाला। तो आज यहाँ से कचौरी लेकर के जा रहे हैं परिवार के लिए ताकि वो पुराने टेस्ट को याद कर सकें। आज पूरे पूरे 2 महीने 2.5 महीने हो चुके हैं। अजमेर राजस्थान का वो शहर है जहाँ लोगों को दिन की शुरुआत का पता कड़ी कचौरी की खुशबू से ही होता है। दिन की शुरुआत तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कड़ी कचौरी पेट में ना जाए। आखिरकार लॉकडाउन 4 से पहले अजमेर जिला प्रशासन ने कड़ी कचौरी की दुकानों को खोलने की अनुमति दी तो लोगों की दीवानगी हर बाधा को तोड़कर उन्हें कड़ी कचौड़ी की दुकानों तक खींच लाई। अजमेर में 52-53 दिन के लॉकडाउन के बाद लोगों की चटपटा खाने की कचौड़ी की भावना को देखते हुए सरकार के इस आदेश को, प्रोत्साहन को वायदा देता हूँ कि जिन्होंने आज प्रशासन ने खोलने का दिया और लोग चाट पकौड़ी खाने के शौकीन लोगों की भीड़ लगने लगी, इनको हमने डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा है, साफ सफाई से माल बनाया पहली बार आज लॉकडाउन के बाद। और सरकार ने जो प्रशासन कोरोना को बचाने के लिए लोगों को अपने आप में सुरक्षित और साफ करने के लिए कहा है, अपने आप में साफ स्वच्छ रखना, दूरी बनाए रखना, ग्लव्स पहनना, मास्क लगाना ये अत्यावश्यक है, हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। अजमेर जिला प्रशासन ने भले ही कड़ी कचौरी की दुकानों को खोले जाने की अनुमति दी हो लेकिन कुछ पाबंदियां भी लागू की हैं। दुकानों पर खड़े होकर कड़ी कचौरी के चटकारे लगाने की इजाजत फिलहाल नहीं दी गई है। दुकान के बाहर भी दुकानदार और ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। यदि इन दिशा निर्देशों के पालन में कोई कोताही दिखाई दी तो नतीजा दुकानदार को ही भुगतना पड़ेगा।